आपका समय शुरू होता है अब। शुरू करता हूँ मैं, ठीक है ठीक है ये आधे मिनट में उसमें अपने बोलने में जोड़ लूंगा। ठीक है ठीक है। विद्या की देवी माँ सरस्वती, विश्व में व्याप्त ओम एवं जगत जननी भारत माता। विज्ञान ऐसा जो अध्यात्म से जुड़ जाए, एक नारा था जय जवान जय किसान का, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही एक सुरम्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया और बोला उसमें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान को जोड़ दिया और उससे हम आज देख रहे हैं कि हमारा भारत देश कैसे दिन ब दिन विज्ञान से जुड़ता चला जा रहा है। जो मेरा निजी अनुभव है विज्ञान के बारे में, उसके उसका कुछ भाग मैं आपके सामने अपने विचारों को रखना चाहूँगा कि जो विज्ञान है उससे विकास हो रहा है, लेकिन एक तरफ विज्ञान के अज्ञान से विनाश भी हो रहा है। अगर विज्ञान के संज्ञान से विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ विज्ञान के अज्ञान से जो अज्ञानता है विज्ञान के प्रति लोगों में, या फिर जो लोग बिना अध्यात्म से जुड़े विज्ञान से जुड़ गए हैं, जिनको अपने पर्यावरण के प्रति कोई कोई भी ऐसी सचेत भावना नहीं है, वो लोग कैसे विज्ञान के द्वारा ही विनाश कर रहे हैं, वो मैं एक उदाहरण से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, विज्ञान ने खोजा एक मशीन जिससे हम एक हमारे भारत देश में हमने बीते 5 सालों में देखा है कि मशीनें काफी नई नई मशीनें काफी मात्रा में विकसित हुई है। उसमें एक मशीन का मैं उदाहरण दूंगा जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, तेजी से लकड़ियां काटी जाती हैं। तो उस जब वो लकड़ी बनी, विज्ञान का तो विकास हुआ, लेकिन जो पेड़ के व्यापारी हैं भारत देश अपने, क्योंकि मैं यही रहता हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं अपने आसपास का उदाहरण ही दे सकता हूं। और उन्होंने कैसे इसका दुरुपयोग किया, मशीनें खरीदे अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, पेड़ों की कटाई खूब जमकर चल रही है और चल रही थी, जो जिस कम गति से चल रही थी मशीनें आने के बाद, उससे ज्यादा गति से पेड़ों की कटाई चल रही है। ये मुझे बहुत ही दुख देता है। अगर उनके पास थोड़ा सा भी विज्ञान का संज्ञान होता, अगर मशीनों के साथ साथ अगर उन्हें ये पता होता कि हमें पेड़ों की कटाई के साथ साथ अपने व्यापार के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, तो वे अगर एक पेड़ काटते तो 100 पेड़ लगाते। और विज्ञान विषय पर चूंकि समय काफी कम है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि, और खुशी भी है मुझे कि मुझे ऐसा प्रकरण मिला बोलने को। सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी, आप काफी उम्दा बोले। विज्ञान जैसे विषय पे आपने अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया, वो काबिले तारीफ है। तो जैसा कि हमने आपसे उम्मीद किया था, आप बिल्कुल